वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं तृप्ति आप सबकी होस्ट एक बार फिर से लेकर आई हूँ ये खास रिपोर्ट किसी और नहीं बल्कि मलाइका और अर्जुन को लेकर। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा कभी रिश्ते में आए, कभी रिश्ता खत्म हुआ, फिर से नया रिश्ता जुड़ा, कभी शादी की तैयारियां हुई तो कभी शादी की बात ही खत्म हुई। अर्जुन ने एडमिट किया कि शादी का प्लान फिलहाल नहीं, लेकिन मलाइका ने ख्वाब सजाए हैं शादी के। वो सिर्फ कर रही हैं अर्जुन के एक प्रपोजल का इंतज़ार और हो जाएगी इनकी शादी पक्की, क्योंकि वाइट वेडिंग के सपने सजा कर रखी है मलाइका पिछले कई सालों से अर्जुन के साथ। लेकिन अर्जुन के साथ उनके रिश्ते में कई दूरियों के कारण ही इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा आपको बता दें, मलाइका खुद भी काफी डरी हुई है शादी को लेकर। अर्जुन से शादी को लेकर इनडायरेक्टली मलाइका ने कहा अगर वो हाथ मांगते हैं तो वो राजी हैं शादी के लिए। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा ने किस तरह से इनसिक्योरिटीज जाहिर की थी ये हम आपको बताएंगे। दरअसल पहली शादी में नाकामी हासिल करने के बाद, पहली शादी टूट जाने के बाद, तलाक हो जाने के बाद मलाइका इस कदर टूटी थी कि उनका ये कहना था कि वो सोच भी नहीं पाई थी कि वो दोबारा कभी किसी से प्यार करेंगी। दोबारा दिल टूट जाएगा उनका, उन्हें इस बात का डर सताता था। दोबारा रिश्ते में आने में मलाइका को काफ़ी समय लगा, खुद का मन बदलने में उन्हें काफ़ी समय लगा। मलाइका अरोड़ा को अर्जुन तब से ही पसंद करते थे जब से वो अरबाज की पत्नी थी, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन से अर्जुन को इम्प्रेस कर गई थी। लेकिन मलाइका अरोड़ा से ये बात कहने की हिम्मत अर्जुन को नहीं थी। जब मलाइका ने अरबाज को तलाक दिया, आपसी सहमति के साथ ये दोनों अलग हुए, अरहान की कस्टडी मलाइका को मिली। फिर मलाइका ने अपनी करियर को नए तरीके से संभाला, वो बॉलीवुड में अलग तरीके से डील करती नज़र आई, अपनी प्रोफेशन को लेकर अकेलेपन से डील करती नज़र आई, स्ट्रगल से डील करती नज़र आई। खान परिवार से अलग होने पर मलाइका अरोड़ा को खान के टैग से डील करना पड़ा। खान के टैग हटने पर मलाइका को खान परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस बात से वो वाकिफ थे, जिसके कारण उन्हें कई तरह के और स्ट्रगल करने पड़े। मलाइका ने बताया था कि सलमान खान से उनके अच्छे बॉन्ड थे, लेकिन खान फैमिली से अलग होने के बाद उनका खान फैमिली का सपोर्ट भी उन्हें कम मिला। ऐसे में उन्हें अपनी करियर को फिर से शुरू करना पड़ा। फिटनेस दीवा मलाइका ने फिटनेस की तरफ अपने एंथुजियाज्म की वजह से अपनी करियर को चुना और आज वो वर्ल्ड में फिटनेस दीवार के तौर पर इंडिया का नाम रोशन करती हैं। वही मलाइका अरोड़ा ने कहा था शादी को लेकर उन्हें काफ़ी डर था अंदर से, दोबारा शादी यानी कि कहीं दोबारा दिल ना टूट जाए। ऐसे में मलाइका अरोड़ा ने जब अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते के लिए मन खुद का बनाया तो अर्जुन से हाँ भरने की इंतज़ार उनके इतने लंबे होंगे सोचा उन्होंने नहीं था। खैर, बोल्ड मलाइका अरोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दे बैठी थी अर्जुन कपूर को लेकर कि उनकी करियर में उन्हें बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसके कारण उनके बीच दूरियां भी आई थी। आज हम आपको बताएंगे अर्जुन के साथ रिश्ते में आने के बाद मलाइका को अपनी उम्र की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम से डील करना पड़ा और वो इमोशनल होकर 11 साल छोटे अर्जुन के साथ रिश्ते में आने पर, ट्रॉलर्स के ट्रॉल करने पर, बुद्धि कहलाने पर, एज गैप को लेकर एम्बेरस किए जाने पर कई तरह से जवाब दे बैठी थी। क्या कहना था मलाइका अरोड़ा का, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको हैरानी हो सकती है सुनकर, लेकिन सच है कि अर्जुन और मलाइका के रिश्ते में अब तक शादी के लम्हे की बात होती है और शादी तक बात नहीं पहुंच पाया है। कारण यही है कि कहीं ना कहीं मलाइका भी शादी को लेकर काफ़ी डरी हुई है। क्या आपको मालूम है, पब्लिकली अपने रिश्ते को खुलकर जाहिर किए जाने के बाद अर्जुन मलाइका ने किस चीज़ से डील किया? सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी से। मलाइका को सबसे ज़्यादा नेगेटिव तरीके के रिस्पॉन्स मिले हैं अर्जुन के साथ अपने रिश्ते की वजह से। उन्हें काफ़ी ज़्यादा विशेष कम बल्कि बद्दुआएँ ज़्यादा मिली हैं, क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिली हैं। 11 साल छोटे हैं अर्जुन मलाइका से, ये बिल्कुल फैक्ट है और इस फैक्ट से वाकिफ है मलाइका और इस फैक्ट को वो एक्सेप्ट करती हैं कि उनकी पहली शादी जब अरबाज से हुई तो वो 90s में बॉलीवुड में नई नई आई थी और वो श्योर नहीं थी
कि ये रिश्ता कितना चलेगा। लेकिन शादी के इतने साल गुजारने के बाद उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसे रिश्ता टूट भी जाएगा। जब पहला प्यार नाकाम हुआ, पहले प्यार के मामले में भी जब मलाइका को आखिर में बदनसीबी की वजह से अकेलापन ही मिला, तो फिर दूसरे रिश्ते में आने का ख्याल उन्हें काफ़ी डराता था। वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी कि दोबारा दिल ना टूट जाए, बहुत डरे हुए थे। मलाइका ने कहा, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी इन लव, नर्चर अ रिलेशनशिप एंड दिस न्यू मी गेव मी द कॉन्फिडेंस टू पुट माई सेल्फ आउट देयर एंड टेक अ चांस। आई एम सो ग्लैड आई डिड। यानी कि मलाइका ने कहा कि मैं बहुत डरी हुई थी फिर से दिल ना टूट जाए, लेकिन मैं प्यार में रहना चाहती थी, मैं चाहती थी कोई मुझे प्यार करे, रिश्ते निभाना चाहती थी, रिश्ते में आना चाहती थी। और इसलिए मैं जब नई मलाइका बनी तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ही है जिसने मुझे एक और मौका देने के लिए हिम्मत दी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने आप को ये मौका दिया। उन्हें और अर्जुन को बिल्कुल भी एज गैप बॉदर नहीं करती, सोसाइटी बिल्कुल अलग तरीके से उनके रिश्ते को लेती है। जी हाँ, इस तरह की चीज़ों को लेकर हमारी सोसाइटी में इतना गौर नहीं किया जाता। हम ऐसे सोसाइटी में हैं जहाँ पर लोग एक्सेप्ट भले बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, लड़की अगर बड़ी हो लड़का छोटा हो तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ें। ऐसे में मलाइका अरोड़ा का कहना है कि अगर आप किसी ओल्डर मैन से रोमांस करें, कोई बहुत कम उम्र की लड़की अगर अपने से दोगुनी उम्र के लड़के को डेट करती हैं या उनके साथ रोमांस करती हैं, तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। ये सोसाइटी है हमारे देश की। लेकिन कोई अगर महिला अपने से आधी उम्र के एक्टर के साथ या आधी उम्र के पुरुष के साथ रिश्ते में आए तो उन्हें डेस्परेट बुद्धि कहा जाता है। इस तरह की सोच है आज के डेट में हमारे देश में लोगों के अंदर, सोसाइटी में। लेकिन मुझे ऐसे सोच को अपनी ज़िंदगी में हावी नहीं होने देना है, और इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग ट्रॉल करते हुए मुझे अर्जुन के साथ मेरे रिश्ते को किस हद तक ट्रॉलिंग का शिकार बनाए। हम एक दूसरे पर इतना विश्वास रखते हैं कि हम हमारे अटूट रिश्ते को किसी और की वजह से तो कभी टूटने नहीं दे सकते। तो दोस्तों, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी की घड़ी कब आएगी? क्या 2024 में शहनाई बजेगी? क्या कपूर फैमिली की बहू बनेंगी मलाइका? क्योंकि ये ख्वाब तो उन्होंने सजाए हैं, और काफ़ी इमोशनल है मलाइका अपने बेटे को लेकर। इसलिए उनके लिए आसान नहीं होगा अर्जुन के घर तक का राह चुनना, लेकिन उन्होंने मन बना लिया है आगे बढ़ने का। देखते हैं अर्जुन मलाइका को प्रपोज कर कब उनके सपनों को पूरा करते हैं। वाइट वेडिंग के ज़रिए मलाइका को एक्स मलाइका एक्स मिसेस खान से कब मिसेस कपूर बनाते हैं अर्जुन कपूर। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बॉलीवुड की खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।